पंखों की जरूरत पंछियों को है, तुम बस हौसला रखना। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू जयप्रकाश आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के हिंदी MCQ सेशन में। उम्मीद है आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का शानदार सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे आज का शब्द और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों के सही उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और अंत में आप सभी अपना स्कोर चेक करें कि आप 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर बता पाते हैं। आज का शब्द है पूजा। आइए देखते हैं पूजा से बनने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से पूजा शब्द है। ए क्रिया, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी विशेषण। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी संज्ञा। प्रश्न दो, दिए गए विकल्पों में से पूजा शब्द है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभलिंग, डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है बी स्त्रीलिंग। प्रश्न तीन, पूजा का विशेषण शब्द क्या होगा। ए देवी, बी अर्चना, सी पूजनीय, डी स्तुत्य। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी पूजनीय। प्रश्न चार, निम्नलिखित में से कौन सा पूजा का पर्यायवाची शब्द है। ए स्तुति, बी वंदना, सी आराधना, डी उपर्युक्त सभी। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न पाँच, पूजा का विलोम शब्द होता है। ए निंदा, बी निंदनीय, सी अपूजा, डी ईर्ष्या। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है सी अपूजा। प्रश्न छह, जो पूजा करने योग्य है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए पूजा लायक, बी पूजने लायक, सी पूजनीय, डी प्रार्थनीय। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी पूजनीय। प्रश्न सात, वह इष्टदेव के मंदिर की पूजा सी प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। ए यमक, बी रूपक, सी उपमा, डी अनुप्रास। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी उपमा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक कर दें। और अब बारी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्रश्न आठ, निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है। ए क, बी ख, सी ख, डी ख। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए क। प्रश्न नौ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है। ए छत्तीसगढ़ी, बी कौरवों, सी बुंदेली, डी कन्नौजी। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए छत्तीसगढ़ी। प्रश्न दस, निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। ए जूता, बी कीमत, सी खजा, डी देहात। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए जूता। प्रश्न 11, नीलगाय में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी इंद्र। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है सी कर्मधारय। प्रश्न 12, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ए ऊर, बी कुजंग, सी कुरंग, डी तुरंग। और आपका समय शुरू होता है अब।
सही उत्तर है ए उर। प्रश्न 13, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? ए वैराग्य, बी क्षमा, सी दया, डी निर्वेद। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है डी निर्वेद। प्रश्न 14, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। प्रस्तुत पंक्ति में रस है ए अद्भुत रस, बी हास्य रस, सी शांत रस, डी करुण रस। और आपका समय शुरू होता है। सही उत्तर है सी शांत रस। प्रश्न 15, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला? ए अनुच्छेद 343, बी अनुच्छेद 344, सी अनुच्छेद 345, डी अनुच्छेद 346। और आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ए अनुच्छेद 343। और ये है आज का प्रश्न, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। इसी के साथ आज के सेशन का पैकअप करते हैं। उम्मीद है आज आपने कुछ नया सीखा होगा जो निश्चित ही आपकी परीक्षा में मददगार सिद्ध होगा। कल फिर इसी चैनल पर इसी समय आपसे मुलाकात होगी और फिर कुछ नए प्रश्नों पर बात होगी। तब तक आप बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने भाइयों, बहनों, दोस्तों और अपनी सहेलियों के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।